नॉमिनेशन अपना फाइल करा है, क्या मुद्दे रहेंगे और कितना आश्वस्त है अपनी जीत के लिए? देखिए, मुद्दे तो बिल्कुल साफ हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। निश्चित तौर पर हमारे सामने बहुत बड़ा माफिया और अपराधी और जिसको आतंकवादी भी कह सकते हैं, इस तरह के लोग चुनाव में आए हैं। और निश्चित तौर पर पहले भी हमने हराया और इस बार तो हम लगभग 50,000 वोटों से उसको हराने जा रहे हैं। मुख्य मुकाबला की ठोड़ में आप किससे मान रहे हैं? क्योंकि उनका कहना है कि उनके कामों को जनता के बीच में नहीं ढंग से लाया गया और आपके 5 साल के कार्यकाल उन्होंने देखे हैं और जो जनता को आप बताएंगे कि आपने कुछ नहीं करा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने लगभग 3 अरब के काम अपनी विधानसभा क्षेत्र में कराए हैं। जितना विकास 25 साल में कभी नहीं हुआ, इतना विकास हमने किठौड़ विधानसभा क्षेत्र में कराने का काम किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई उनको हमने पूरा ज़मीन पर उतारने का काम किया है, जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं थी वो जन जन तक पहुंची हैं। उसके कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें लगभग 500 के लगभग लाभार्थी ना हो। किसी ना किसी योजना में लगभग हर वर्ग के लोगों को हम लोगों ने जो है हमारी सरकार ने फायदा पहुँचाया, लाभ पहुँचाया, और इसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़े। जीत का आधार क्या रहेगा? जीत का आधार तो सीधा समीकरण है, जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो विकास के काम किए हैं, जो कोरोना काल में हमारी पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों की मदद की है, लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है, 1,000 रुपया लोगों को देने का काम किया है, जितने भी योजनाएं हैं वो सब सारे समाज के लिए हैं। हम पूरा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। चेयरमैन साहब, एक बयान वायरल हो रहा है किठौर विधायक का, जिसमें वो आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में RLD गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। विधायक जी जो हैं बहुत अपनी स्थिति उनकी बहुत मजबूत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर किठौर विधानसभा क्षेत्र में है। विधायक जी बौखलाए हुए हैं इन्हीं सब चीज़ों से और उल्टे सीधे उलझुल बयान, वो अपनी परिस्थितियों को देखकर, क्षेत्र के जो हालात हैं उन सबको देखकर उलझुल बयान दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान इस तरह के बयानों पर लेना चाहिए? हाँ, इलेक्शन कमीशन को जो गलत बयान कर रहे हैं उसको संज्ञान लेना चाहिए। क्या आपको लगता है पूरी तरीके से सत्ता पक्ष हावी है, इस तरीके के बयानबाजी आए दिन हो रही है? हाँ, ये सब सरकार और सरकार के इशारे पर पूरी गुंडागर्दी जो अब तक इन्होंने की है वो सब उसी इशारे पर जो है ये सब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।